आइए मित्रों, आज हम आपको दिखाते हैं, अभी होली का रंग उतरा तो नहीं है, यह सच्चाई है, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ हो रहा, जो चने का हो रहा और चना उपा, उसको जो है हम कैसे भूंजते हैं और कैसे खाते हैं गांव में। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, मैं पूरी प्रक्रिया आपको दिखाऊंगा। आइए मैं बढ़ के अब दिखाता हूँ। जब देखिए चाचाजी हमारे लग गए हैं भूंजने में, और पूरा एक साथ में डाल दिए ना, पूरा एक साथ में डाल दिए, साथ में डाल दिया, भूंज तब तो हो। अच्छा अच्छा भूंजने के बाद ही इसका जो है, वास्तव में मैं कहूँ तो सच्चाई यह है कि इसमें चने में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही ताकत होता है। और यह कुछ पत्तियां है ना? हाँ, आमा की पत्ती। अच्छा, आमा की कुछ पत्तियां हैं और कुछ पत्तियां हैं इसकी जामुन की, जामुन की पत्तियां। तो यह जो है हो रहा, इस समय भूना जा रहा है, यह सीजन है, यह है। हाँ, हमारे महेश चाचा जी के द्वारा। और अच्छा सीजन है इसका? हाँ, सीजन है, यह इसमें बहुत ज्यादा चलता है। हाँ, खेत और में कटे तो बात कहीं ले जाए भैया, में तो भूंजा जाए। हाँ हाँ हाँ, तो भूंजिए तो भाई कहीं अच्छा बड़ा मजा आया हो। हाँ, सही बात सही बात। चलिए हम अभी सामान्य छायाकार से चाहेंगे थोड़ा और पास में बन जाए, और बाकी जो है जिससे क्लियर, आप क्लियर एकदम देख लीजिए। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा भूना जा रहा है, देखिए इस तरीके से ना, अभी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, तो इसका बहुत अनुभव है आपको? अनुभव का है, इतना मजा आया वो सब काम है। बहुत अच्छा लगा था। तो चना बोए है क्या? बोए ना रे भैया, रे घर रिश्तेदारी कहीं ले जा। अच्छा, हाँ तो लेता हुआ उनका, चलो भाई लड़के के देना चबा ले। हाँ 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 हाँ, दो चार जने आओ चबा नहीं भाई कहीं। हाँ सही है। हाँ 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 हाँ, देखो बहुत अनुभव है आपके यहाँ, तो इस तरीके से देखिए अनुभव भी है चाचा जी को, और चना भूनने का पूरा उसी में डाल दिए हैं पत्तियों में। अभी अब यह भूना जा रहा है, अभी निकलेगा तब जो है मैं आपको दिखाऊंगा। और चने का हो रहा, जो गांव से होंगे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार खाइए, और जो गांव से होंगे वो तो खाए होंगे, लेकिन जो शहरों से होंगे वह चना का हो रहा नहीं खाए होंगे। बहुत ऐसे लोग होंगे जो नहीं खाए होंगे ना, बाजार वाले कहाँ पर ही। अच्छा, हाँ ललात रहे भैया के गई देश। हाँ, कहाँ मिले। अच्छा चना, जबकि उसमें जो है भूना ठेला वाला पे लगाते हैं लोग, लगाओ तो सब्जी खाती लगाएगी यहाँ भूजी एक वो। हाँ सही बात, उसका अलग स्वाद है, जो चना अलग है, मतलब निकला है उससे अपने, उसके फोकला जो होता है ना, फोकले से जो निकला है उसका स्वाद अलग होता है, और फोकले के साथ जो भूना जाता है उसका स्वाद अलग होता है। तो चने से तमाम चीज़ें बनती हैं, चने से बनता है बेसन, बेसन से बनता है पकौड़ी, और बहुत कुछ बनता है चने से, कहा जाए तो क्या क्या सब चने से बनता है। लेकिन चना भूना हुआ इतना स्वादिष्ट लगता है, सौंध लगता है ना। देखिए अभी हम टेस्ट करते हैं, एक आठ ऐसे ही निकाल के फिर आपको दिखाएंगे, जब यह भूना जाएगा पूरा निकलेगा तब। अभी देखिए तैयारी की ओर है ना, लगभग लगभग अभी तैयारी की ओर है, देखिए निकल रहा है, बहुत ही अच्छा। वाह क्या बात है, घर बैठ जाले बाबा पही तो कहीं, अरे कहाँ ले जा भैया। अच्छा, बाजार से ले आए? हाँ, तो बाजार बारे बताओ, तही ललात रहे थे देहात में बाटे तो हंसिया ले के काटे। हाँ हाँ, वास्तव में जो बाजार में है इसके लिए तरसता होगा, कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए भैया के भाई ले। लेकिन नहीं मिलेगा भैया, ये गांव में ही मिलेगा, बाहर मिलेगा कहाँ। जैसे ट्रेन व्रेन में बैठ जाते तो नहीं ले रहे, कहें भैया एक चोट चाहिए देता। हाँ, तमाम मैदान। देखिए अभी चाचा जी बता रहे हैं सुरती का अमल, सुरती का अमल जब चटकता है तो उस समय लगता है कि कोई मुझे एक खुराक दे दे तो फिर मजा आ जाए। हाँ,
और अभी जो है शाम का टाइम है और रात भी हो रहा है। भास्कर जी जो है अब जा चुके हैं ना, और रात का समय है, लेकिन अब हमारा हो रहा तैयार है। तैयार हो गया, तैयार हो गया। चलिए तो अब निकालिए थोड़ा सा, फिर देखा जाए, निकाल के थोड़ा सा दिखाइए आप, मजा आ जाए तब। ठीक है, तीन इस तरीके से देखिए। चाचा जी अब सूपा लेकर आ गए हैं, और सूप से इसको जो है अब निकाला जा रहा है, इसका राख, राख निकाल कर और इस तरीके से अलग करेंगे, तब फिर देखिए इसका कितना आनंद आता है। और यह मैं आपको दिखा दूँ, खरमचा ना है उसका, अरहर का, अरहर के डंठल का है, खरमचा है, इसी से इसको जो है इकट्ठा करके अब देखिए अब निकाल रहे हैं। देखिए कितना ध्यान से देखिए आप, अरे कितना बढ़िया निकाल रहे हैं। अरे सीखा है आपने, औरतें इतना अच्छा नहीं निकाल पाएंगी। सही बात, सही बात, बिल्कुल। इसको जो है अच्छा आगे नहीं बैठते ना, इसके आगे कहते हैं जब शादी होगी तो नहीं मिलेगा क्या, दहेज नहीं मिलेगा, इसलिए आगे नहीं बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और दहेज लेना भी नहीं चाहिए, सही बात नहीं है। सही है, ये दहेज लगी जिनके पास बेटियां होंगी वही जानेगा कि कितना कष्टदायक होता है। चलिए इधर इधर तैयार हो गया, और इधर थोड़ा सा और बचा है, इसको जो है अब चाचा जी निकाल रहे हैं, और इस तरीके से चना हमारा तैयार हो गया भून के हो रहा। इधर देखिए, इधर पास से आप देखिए कैसे, आइए देखिए, इधर पास से मैं दिखाता हूँ आपको, पास से आप देख लीजिए, तब फिर ऐसे यह बन के तैयार हुआ है। अंधेरा हो गया, शायद क्लियर आपको दिखाई न दे रहा हो, लेकिन देखने का प्रयास करिए कितना ही। वास्तव में कहा जाता है, चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला। और आगे, चना बना है आला, उसमें डाला गरम, हाँ चना जोर गरम, चना जोर गरम। अरे चाचा जी ने बता दिया, देखिए चना जोर गरम, बाबू तलाए मजेदार चना जोर गरम। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। चना बना है आला, उसमें डाला गरम मसाला। वाह, चना जोर गरम, वाह 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 वाह, चना जोर गरम, बाबू तलाए मजेदार चना जोर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरा चना बना है आला, उसमें डालेगा गरम मसाला। वाह, अब मेरा चना बना है आला, हाँ खाएगा बड़ा बड़ा अफसर वाला। हाँ चना जोर गरम, बाबू मलाए मजेदार चना। क्या बात है, देखिए चाचा ने पूरा सुना दिया कि चने का जो है, चने पर जो कविता है पूरा आपको सुना दिया इस तरीके से। यह है वास्तव में, यह चने का हो रहा खाने का मजा ही कुछ और है, और ऐसे ही बैठ के, कोई इसके लिए तख्ते की जरूरत नहीं है, कोई कुर्सी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उकुरू उकुरू बैठ के खाने का इसका मजा है। और या तो फिर घास हो, और या तो फिर पुआल हो, और इस तरीके से ज़मीन पर बैठकर, और यह देहाती चीज़ें, और चने को भूंजकर खाने का इतना सोंध, इतना सुंधाई इसमें है कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छा हो गया, हाँ तो हो गया, तो आइए फिर। यह चने का हो रहा भूजने का जो प्रक्रिया है, इस तरीके से है, अलग अलग तरीके से लोग भूजते हैं, कोई लकड़ी पे, लेकिन इस तरीके से चाचा ने भूंजा कि बहुत ही अच्छे तरीके से पक भी गया। और अब हम लोग बैठ के इसको खाएंगे,
और ललचिएगा नहीं, अगर आप को भी खाना है तो आपको आना पड़ेगा। यदि आप होते मित्रों तो मैं आपको भी खिलाता, थोड़ा थोड़ा बांट के हम लोग खा लेते, लेकिन अब मैं तो खाऊंगा, आप पहुंच सकते नहीं, लेकिन मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा यह देहाती चने का हो रहा। नमस्ते।